मैं जैसा ये वीडियो देखा तो मैं सोचा ठीक है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर इसने इतनी बड़ी गाली दी थी, इतनी बड़ी बात कर दी, तो मैं सोचा कि ये जिसको पूजता है, ये के जो आका है और ये गोल टोपी वालों के जो आका है, क्यों ना मैं इनके बारे में सर्च करूं। त्रियालीस केस, इसमें से 17 धार्मिक उन्माद फैलाने के, बीजेपी विधायक टी राजा के किस्से सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। विवाद सिर्फ एक वीडियो, एक विवादित बयान देने तक सीमित नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर हम आपको दिखाते हैं। वो तमाम सवाल जो आपके मन में, जहन में कौंध रहे होंगे कि टी राजा कौन है, राजा ने राजनीति कब शुरू की, कैसे शुरू की, विवाद किस बात को लेकर हो रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट से बात गिरफ्तारी तक कैसे पहुंच गई, थम जाइए, सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे। पहले ये जान लीजिए कि टी राजा के विवादों की गाथा क्या है, जहरीले बोल बोलने वाले बीजेपी के इस विधायक की सच्चाई क्या है। जब वीडियो देखना मैंने प्रारंभ किया तो उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। ये सच्चाई देख आप भी कहेंगे जनाब तो प्रोफेशनल जहर उगलने वाली मशीन है। 2018 में टी राजा सिंह की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था, तब उस हलफनामे में क्या लिखा गया था अब वो देखिए। राजा के खिलाफ अब तक कुल 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इनमें से 16 पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले पहले ही दर्ज हैं। जी सही सुना आपने, 17 मामले दर्ज हैं। 9 मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने के हैं। उनके ऊपर आगजनी, दंगे के साथ साथ कई तरह की गंभीर आरोप पहले से ही लग चुके हैं। तो देखा आपने विधायक जी की काबिलियत, सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने में लगता है इन्हें मजा आता है। तभी तो 43 मुकदमों की शोहरत के बीच में 17 मुकदमे तो सिर्फ इसलिए दर्ज हैं कि वो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। अब आप जानते ही होंगे कि जनाब की गिरफ्तारी क्यों हुई है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए और फिर इसके बाद बताएंगे बीजेपी ने कैसे विधायक पर संगठन के लिहाज से हंटर चलाया, मगर उस हंटर के मायने क्या है वो समझ जाएंगे। दरअसल माननीय विधायक जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है ये वीडियो वही है जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, वही नुपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और जिसके बाद देश में ही नहीं दुनिया में सवाल खड़े हो गए, बवाल हुआ। उन्हीं का समर्थन करते हुए विधायक जी ने ये पोस्ट वायरल किया और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, बवाल हो गया। बकायदा इसके बाद तेलंगाना के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए। खैर विवाद कहां से शुरू हुआ अब वो भी जान लीजिए। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने एक शो के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी की थी, इसके बाद से ही टी राजा ने मुनव्वर फारूकी को भी कथित तौर पर धमकी दी। विधायक राजा ने उनके शो को भी रद्द करने की मांग की। कल शिल्पकला वेदिका महादापुर में शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम कॉमेडी शो होगा। ये ऐसा थर्ड क्लास कॉमेडी जो भगवान रामचंद्र जी और सीता माता के ऊपर कॉमेडी करता है। कईयों राज्यों में राम भक्तों ने इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाया और मार के भगाया। आप देखेंगे तेलंगाना का राम भक्त इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाता है, इसको मारता है या नहीं मारता देखेंगे। मैं तो जाऊंगा कल इसका प्रोग्राम कैंसिल करवाने, तेलंगाना के राम भक्तों की ताकत देखेंगे। सभी से निवेदन है आए और इसका प्रोग्राम रोके, धन्यवाद। शुक्रवार को जब टी राजा मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचने की जिद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया, यानी कि हाउस अरेस्ट। वैसे तो इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला कि 15 अगस्त 1977 को हैदराबाद में जन्मे विधायक डी राजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी। 2014 में घोष महल से वो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2018 में दूसरी बार जीत हासिल की। राजा के पास कुल 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 2018 के चुनाव में राजा ने 45% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के
इसी बयान के बाद वहीं बवाल खड़ा हुआ, सवाल उठे तो बीजेपी ने खुद को इस विवाद से अलग करते हुए विधायक टी राजा पर कार्रवाई का हंटर चला दिया और उनकी इस हरकत के लिए पार्टी ने जनाब को सस्पेंड कर दिया है। यानी इतिहास बताता है कि विधायक का विवादों से पुराना नाता रहा है, मगर इस बार तो विधायक जी ने हद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।